एग्जिट पोल के बाद बड़ी सरगर्मी। मायावती से मिले अखिलेश यादव लखनऊ में। सभी पार्टियां आज गठबंधन की तरफ जुड़ने को तत्पर तैयार हो रखी हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता, विपक्ष के लोग तो खास तौर से नहीं चाहते कि सत्ता के अंदर बीजेपी वापस आए। लेकिन मीडिया ने एग्जिट पोल दिखाकर सबको हैरतअंगेज तरीके से डाल दिया है। हो सकता है ये गुमराह करने का तरीका हो। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद विपक्षियों के एकजुट होने की कवायद तेज हो गई है, और वहीं पे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बहन कुमारी मायावती से मिलने लखनऊ में पहुंचे, और उन्होंने भी अपने गठबंधन के साथ साथ गठजोड़ शुरू कर दिए है कि किस तरीके से सत्ता से बेदखल किया जाए बीजेपी को। सूत्रों ने बताया है कि एग्जिट पोल के बाद नतीजों को तय करेंगे दोनों दल। इस पर चर्चा की, इसके साथ ही दिल्ली में सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक पर भी मंथन हुई। दरअसल अगली सरकार के गठन के मकसद से गठबंधन बनाने की कवायद में नई दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मिलने के बाद तेदीपिया अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने भी शनिवार की शाम लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती से मुलाकात की। इससे पहले कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के दफ्तर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव से भी मुलाकात की। नायडू लखनऊ एयरपोर्ट से सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने उनकी पार्टी ऑफिस पहुंचे थे। आपको बता दें कि एग्जिट पोल के हिसाब से यूपी में भाजपा अब सपा बसपा रालोद गठबंधन भारी पड़ती दिख रही है। 6 वर्ष के हिसाब से देखें तो बीजेपी की औसतन 53 सीटें व गठबंधन 25 सीटों पर मिलती दिख रही है। कांग्रेस 2 सीटें दिखाती है एग्जिट पोल के हिसाब से, लेकिन जिस सपा बसपा रालोद के मजबूत गठबंधन से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों का अनुमान है कि 65 से 70 सीटें लेकर आएगा गठबंधन। दोनों ने अपनी रणनीति तैयार करी और मिलकर गठबंधन को और मजबूत करने की कवायद को तेज करते हुए बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की रणनीति तैयार करी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।